प्रदेश सरकार बहुत ही जल्द सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने की तैयारी में है। बुंदेलखंड किसानों के लिए खाद्य और रसद विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार किसानों को मुफ्त दाल, आटा और तेल देगी। इसे समाजवादी खाद्यान्न योजना और अन्य किसी रूप में लागू किया जाएगा। इस बारे में यूपी के खाद्य रसद मंत्री कमाल अख्तर से केन्द्रीय संवाददाता मनीष श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड किसानों को राज्य सरकार एक और तोहफा देने जा रही है, इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री हमारे साथ हैं कमाल अख्तर। आइए सीधे जानते हैं कि किस तरह किसानों को फायदा दिया जाएगा। सर, क्या योजना है, क्या प्रस्ताव बना रही है सरकार बुंदेलखंड के किसानों के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड को लेकर बहुत संजीदा हैं और उनके निर्देश में खाद्य विभाग को कि हम लोग वहाँ के उन सारे लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको हम 1 लीटर तेल और 10 किलो आटा और 5 किलो दाल हम लोग बहुत जल्द उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये भी लिखकर भेजा है कि जो एक सीमा थी 80% ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और 65% शहरी क्षेत्र के अंदर, उसको घटाकर फुल फ्लैश उसके अंदर 100% कर दी जाए, जिससे वहाँ के लोगों की जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके। सर, जो गरीब हैं, जो अंत्योदय वाले कार्ड धारक हैं, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, अभी को ये 10 किलो दाल और चावल दिया जाएगा कि सिर्फ कुछ सीमित लोगों को? नहीं, हम लोग प्रयास इसमें कर रहे हैं, अंत्योदय बीपीएल के अलावा जो विधवा पेंशन वाले लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं और जो समाजवादी पेंशन वाले लोग हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करके और कुछ एक सीमा निर्धारित जो उनकी आय इनकम देखने के बाद वो निर्धारित की जाएगी। अभी इस पर हम लोग तय करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। कितनी जल्दी से जल्दी, कितने समय लगेगा इस योजना को लागू करने? बहुत जल्दी, अगले महीने हम लोग इसको लागू कर देंगे। तो ये थे कमाल अख्तर, जिनका कहना है कि अगले महीने 1 माह के भीतर बुंदेलखंड किसानों को दाल, चावल और राशन की जो चीजें हैं वो मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी, जिनसे उनकी जो मार है, जो सूखे की मार झेल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मरहम लगाया जा सके। कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज लखनऊ।